हमारे पेट में जब भी गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या होती है तो हम तुरंत आराम चाहते हैं, क्योंकि यह हमें बहुत बेचैन कर देती है। आइए आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। आज का विषय थोड़ा अलग है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों, इन सभी अलग-अलग पेट, गैस, एसिडिटी, कब्ज की कुछ 10 दवाइयाँ और खाद्य सामग्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके पेट में गैस, एसिडिटी और कब्ज में जल्द राहत देती है। तो वीडियो को और लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है पेंटा 40। यह टैबलेट गैस के लिए जानी मानी दवाइयाँ हैं। इस टैबलेट को सुबह खाली पेट एक गोली लेना होता है। अगर आपको पेट में गैस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, यह वयस्कों के लिए है, बच्चों को ना दें। गैस की समस्या अगर आप चाहें तो अपने खान पान में सुधार करके भी कर सकते हैं। यदि लंबे समय से गैस की समस्या से परेशान हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पे है इनो। यह भी एक जाना माना ब्रांड है, जो एसिडिटी, गैस दोनों की समस्या में कमाल की राहत देता है। इनो एक तरह का सोडा ही होता है, जिसमें कुछ और दवाइयों का मिश्रण करके बनाया जाता है, जो कि हमें गैस और विशेषकर एसिडिटी की समस्या में जल्द राहत पहुंचाने के लिए काम करता है। इनो को आप आधे गिलास पानी में एक पैकेट डालकर तुरंत पीना चाहिए। याद रहे कि इनो के लगातार एक से ज़्यादा पैकेट का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपका पेट खराब भी हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर कायम चूर्ण को रखते हैं। यह एक तरह का त्रिफला का मिश्रण ही है। इसके अलावा भी आप बाजार में मिलने वाले किसी भी त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हर तरह का त्रिफला खाने में अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसे देखकर खरीदें। त्रिफला का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कब्ज की समस्या से ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसे इस्तेमाल करने के 2 तरीके सबसे बेहतर हैं। यदि आपको कब्ज की समस्या ज़्यादा रहती है तो आप त्रिफला की 1 चम्मच को रात में पानी में भिगो दें और सुबह उसी चूर्ण वाले पानी को गर्म करके थोड़ा शहद मिलाकर पी लें। याद रहे, पानी को काफ़ी ज़्यादा गर्म करना है, लगभग 1 गिलास पानी आधा गिलास रह जाने तक। दोस्तों, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, इसलिए आप इसे 1 चम्मच शहद के साथ ले सकते हैं, तो यह आपको थोड़ा कम कड़वा लगेगा। इसके अलावा त्रिफला को लेने का दूसरा तरीका यह है कि आप रात को सोने से पहले आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपको त्रिफला खाने में कड़वा लगे तो इसमें भी आप थोड़ा शहद मिलाकर खा सकते हैं। यह आपके कब्ज में बहुत राहत देता है। यह भी बच्चों और बड़ों दोनों को दिया जा सकता है। नंबर 7 पर है डाइजीन। डाइजीन भी एक जाना माना ब्रांड है। यह भी आपके एसिडिटी और गैस की समस्या में तुरंत राहत देता है। 1 चम्मच डाइजीन लेने से आपको बहुत राहत मिलती है। यदि आपने ज़्यादा खाना खा लिया है या आपको अफारा जैसा लग रहा हो, एसिडिटी, गैस की समस्या हो, तो डाइजीन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यह बच्चों और बड़े दोनों को दिया जा सकता है। नंबर 6 पर है अजवाइन। अजवाइन का प्रयोग तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अजवाइन पेट की गैस के लिए सबसे कमाल का घरेलू उपाय है। इसे भी आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच अजवाइन को गुनगुने पानी के साथ सोने से पहले रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन को तवे पर थोड़ा फ्राई करके पीस कर काला नमक, सेंधा नमक मिलाकर एक डिब्बे में रखा जा सकता है। जब भी आपको गैस की समस्या लगे, आप आधा चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5। नंबर 5 पर है लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल करना बहुत सरल है। 1 या 2 कली लहसुन खाली पेट कच्चा खाने से पेट गैस में राहत मिलती है। लहसुन खाने से हमारे हृदय रोगों में भी राहत मिलती है। लहसुन हमारे खून को पतला करने में भी मदद करता है। नंबर 4। नंबर 4 पर है कालमेघ। नंबर 4 पर हम कालमेघ को रखते हैं, जो कि एक होम्योपैथिक दवाई है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका हम एक पूरा वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो को देखकर आप आसानी से
समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। यह वीडियो आपको हमारे चैनल पर कालमेक सर्च करने पर मिल जाएगा। कालमेक का इस्तेमाल भी सरल है और यह आपके पेट की हर तरह की समस्या में आराम देता है। इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके कालमेक का इस्तेमाल कैसे किया जाए देख सकते हैं। नंबर 3 पर है वाइलैक्स टैबलेट्स। यह भी होम्योपैथिक दवाई है। यदि आपको सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता या पॉटी आने में समस्या होती है, यानी कब्ज जैसी परेशानी होती है, तो आप वाइलैक्स की 2 गोलियां रात को सोते समय ले सकते हैं। यह आपके पेट की कब्ज की समस्या में बहुत ही अच्छी दवाई साबित होगी। नंबर 2 पर है आंवला। आंवले के ऊपर भी हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है, जिसे आप आंवले के गुणों के बारे में जान सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम आपको बस इतना बता सकते हैं कि पेट की किसी भी तरह की समस्या हो या कोई समस्या ना भी हो, तब भी आप एक आंवले का इस्तेमाल रोज करें। यह आपके पेट की किसी भी तरह की ज़्यादातर समस्याओं में आराम देता है। और एक बात, आप आंवले का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। यदि आप आंवले को कच्चा नहीं खा सकते हैं, तो आप इसके मुरब्बे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पतंजलि स्टोर पर यह आसानी से मिल जाता है। नंबर 1 पर है गिलोय। गिलोय के बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसके इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों में लाभ मिलता है। पर यह वीडियो पेट की समस्याओं से संबंधित है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गिलोय का कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, सुबह सुबह गिलोय के पत्ते या गिलोय की लकड़ी को पानी में अच्छी तरह से गर्म करें और रोज सुबह खाली पेट और बासे मुंह 1 गिलास गिलोय के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसके सेवन से भी आपके पेट की सभी समस्याएं तो दूर होंगी ही, साथ ही यह आपको बहुत सी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करेगी, इसलिए इसे हमने नंबर 1 पर रखा है। यह आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में भी मदद करती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में एलोपैथी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे सभी का इस्तेमाल बताया। यह सभी दवाइयाँ एवं खाद्य पदार्थ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, कभी कभी कुछ दवाइयाँ या खाद्य सामग्री का असर अलग अलग शरीर पर अलग अलग तरह से होता है, इसलिए यदि आपको कोई भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की परामर्श अवश्य लें। इसके अलावा यदि आपको कोई खाद्य सामग्री या दवाई आपको सूट नहीं करती है, तो आप इनका इस्तेमाल ना करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब